हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको साल 2020 के अंदर आने वाली वैकेंसीज़ की जानकारी देता रहता हूं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स, आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB में कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये OFRC एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1457, दिनांक 31 दिसंबर 2019 से रिलेटेड है। तो चलिए इसके बारे में एक बार जानकारी देते हैं हम आपको। ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर इंगेजमेंट ऑफ 56 बैच फॉर नॉन ITI एंड ITI कैंडिडेट्स ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड अमेंडमेंट्स देयर ऑफ इन ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्रीज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अप्रोक्सीमेटली 6,660 इंक्लूडिंग 3,847 ITI एंड 2,219 नॉन ITI एज पार्ट ऑफ OFB स्किल इंडिया मिशन। आपने नोट करी, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 6,060 हैं सभी ITIs कैंडिडेट्स के लिए। इम्पोर्टेंट नोट है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल www.apprenticeship.gov.in आर नेसेसरी रिक्वायर्ड टू री अप्लाई थ्रू द लिंक गिवन ऑन OFB वेबसाइट। ये वेबसाइट है www.ofb.gov.in। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ जा कर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 10 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा और जिसकी लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2020 है। ठीक है जी, इस चीज़ को आप एक बार नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो एज है वो 15 से 24 साल के बीच में होना चाहिए एज ऑन 9 फरवरी 2020 को। ठीक है जी। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन है, आप वहाँ पे देख लीजिए एक बार एज पर योर कैटेगरी। ठीक है जी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें जो कि एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2019 तक होनी चाहिए फॉर नॉन ITI कैटेगरी, शुड हैव पास्ड माध्यमिक क्लास 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर अप्लाइंग विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड विद 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस ईच। ठीक है जी। और फॉर ITI कैटेगरी शुड हैव पास रिलीवेंट ट्रेड टेस्ट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई NCVT एंड SCVT और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड थ्रू गजट नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विद ड्यूरेशन एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्लस पास्ट माध्यमिक क्लास 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट जिसमें मिनिमम 50% होना चाहिए आपके पास। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर ITI कैंडिडेट्स एंड फॉर नॉन ITI हमने आपको बता दिया 10वीं पास होना चाहिए। ये वैकेंसीज डिटेल हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आपको एक बार जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ओनली ऑनलाइन डायरेक्टली थ्रू द लिंक गिवन ऑन बिलो इन आवर डिस्क्रिप्शन, या फिर आप ये आपको याद है तो www.ofb.gov.in ओपन करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। जिन साथियों को नहीं पता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बार वीडियो पूरा देखना है ताकि आपकी कोई जानकारी छूट न जाए। ठीक है जी। और तो सो नो अदर फॉर्मेट ऑफ अप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन इंडिकेटेड इन एडवर्टाइजमेंट थ्रोली बिफोर सबमिटिंग देयर अप्लीकेशन। आपको सभी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़नी है, समझनी है और इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी कोई जानकारी छूट न जाए। नेक्स्ट है, कैंडिडेट मस्ट फिल देयर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट
देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स ऑब्टेंड शैल एग्जैक्टली मैच विद व्हाट इज़ रिकॉर्डिंग इन मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ETC। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी। आपके पास आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए ताकि उस पर टाइम टू टाइम आपके ज़रूरी SMS हैं, ईमेल्स हैं, वो आती रहें। नेक्स्ट है, वाइल फिलिंग द अप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट द अप्लीकेंट मस्ट बी रेडी विद द फॉलोइंग। आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए जिसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेकन नोट लेटर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन। इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप JPG, JPEG, PNG, BMP फॉर्मेट, 100 DPI। ठीक है। क्लियर स्कैन पिक्चर्स इमेजेस ऑफ सिग्नेचर बाय द कैंडिडेट भी होनी चाहिए सेम फॉर्मेट में। साइज 20 से 30 के भी होना चाहिए और इस फोटो का साइज़ है वो 20 से 70 के भी चलेगा। और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का भी 20 से 30 के भी तक का साइज होना चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर किन्हीं कैंडिडेट्स का नहीं है तो आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास में फॉर आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए लाइक एज वोटर कार्ड, पैन, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो ID इश्यूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट है वो विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर नॉन ITI एंड ex-ITI कैटेगरी। दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी। द मेरिट लिस्ट फॉर नॉन ITI कैटेगरी विल बी प्रिपेयर्ड फैक्ट्री वाइज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन माध्यमिक और मेट्रिक, क्लास 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्रीगेट इन ऑल सब्जेक्ट एंड इरेस्पेक्टिव बोर्ड्स। द मेरिट लिस्ट फॉर ex-ITI कैटेगरी विल बी प्रिपेयर्ड फैक्ट्री वाइज एंड ट्रेड वाइज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोथ इन मेट्रिकुलेशन एंड ITI। ठीक है जी। आप यहाँ पे देख लीजिए, वह रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड PS कैंडिडेट्स के लिए भी है यहाँ पे कुछ। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, फॉर नॉन ITI एंड ITI कैंडिडेट्स ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड शैल बी स्पेसिफाइड इन अप्रेंटिस एक्ट। यहाँ पे कुछ बताया गया कि वहाँ से आप जानकारी जुटा सकते हैं। स्टाइफंड आपको जो मिलेगा वो कि फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना, थर्ड ईयर में कितना, ये देख सकते हैं आप। मेडिकल एग्जामिनेशन भी है, टर्म एंड कंडीशन भी यहाँ पे कुछ दी गई हैं वो देख सकते हैं आप। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट ऑफ फीस, आपको फॉर्म भरते वक्त कितनी फीस देनी है वो आपको नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी 100 रुपीज़। ठीक है जी। ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इससे वॉलेट, भीम, NEFT आप कर सकते हैं किसी भी तरह से, मतलब आप पेमेंट कर सकते हैं। और मेडिकल फिटनेस आपकी बिल्कुल होने चाहिए। हेल्प डेस्क की हम बात करें तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, आप यहाँ पे सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक और संडे इंक्लूडिंग, मतलब किसी भी दिन आप इन भी कॉल कर सकते हैं 24/7। ठीक है जी। 24/7 तो नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम मेंशन किया गया है 10 AM टू 5 PM, लेकिन ऑल 7 डेज इंक्लूडिंग है इसमें। जनरल इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट, किसी कारणवश से रिजेक्शन हो सकता है आपको अगर इसमें से कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं आपके फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट वाइज नेम ऑफ द फैक्ट्री, ट्रेड, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं, जनरल की, OBC, SC, ST टोटल कितनी है, फिजिकल हैंडीकैप की कितनी है, ये मैप में आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से समझाया गया यहाँ पे। जैसे चंडीगढ़ के लिए टोटल 46 हैं और मध्य MP के लिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो टोटल 176 हैं जी। मध्य प्रदेश में ये देखिए, ये है गन कैरीज फैक्ट्री जबलपुर और ये ग्रे आयरन
फाउंड्री जबलपुर के अंदर, यहाँ पे 56 हैं टोटल। एमपी ये फैक्ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश अलग अलग फैक्ट्री वाइज। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 91 है महाराष्ट्र में, और दूसरी फैक्ट्री में भी हैं। इसके बाद ओडिशा में टोटल 63 हैं। उसके बाद तमिलनाडु में टोटल 187 हैं, यहाँ पे तमिलनाडु दूसरी फैक्ट्री में 128 हैं। तमिलनाडु तेलंगाना में हम बात करें तो 438 हैं, यूपी के अंदर 282 हैं। यूपी के अंदर अलग अलग फैक्ट्री वाइज आप देख सकते हैं एक बार। उत्तराखंड में 77 हैं, वेस्ट बंगाल में 104, 104 हैं, और भी हैं विद फैक्ट्री वाइज। ठीक है जी, तो ये थी जानकारी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।